मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आर्थिक तंगी से परेशान होकर एक व्यक्ति ने कार में अपने बेटे और बीवी के साथ बैठकर दरवाजा लॉक कर लिया और पेट्रोल डालकर कार में आग लगा ली। ये घटना मंगलवार को नागपुर के बेलतरोड़ी थाना के खपरी पुनर्वसन में हुआ है। कार में आग लगाने से रामराज गोपाल कृष्ण भट्ट 58 वर्षीय की मौत हो गई है, जबकि 55 वर्षीय उनकी पत्नी संगीता भट्ट और 30 वर्षीय बेटा नंदन किसी तरह से कार का दरवाजा खोलकर बाहर भागने में कामयाब रहे, मगर ये दोनों भी बुरी तरह से झुलस गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि मृतक के घर से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें लिखा है कि आर्थिक संकट के वजह से जीवन समाप्त कर रहा हूँ। पुलिस ने यह भी बताया है कि रामराज अपने परिवार को दोपहर के वक्त भोजन करने के लिए लेकर कार में जा रहा था और रास्ते में अचानक से ही रामराज ने कार का दरवाज़ा लॉक किया और पेट्रोल डालने लगा। ये देखकर इसकी बीवी और जो बेटा था ये दोनों शॉक हो गए कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। तभी इसने कार में आग लगा दी। आग लगने की वजह से कार धो धो कर जलने लगी और रामराज इस कार में भी जलने लगा, मगर किसी तरह से इसकी पत्नी संगीता भट्ट और बेटा नंदन ये दोनों भी जलती हुई कार से किसी तरह से भागने में कामयाब हुए, लेकिन फिर भी आग से बुरी तरह से झुलस गए हैं। इन दोनों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं मगर कार में आग लगने की वजह से रामराज की मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने इन दोनों माँ बेटे को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। वहीं पूरे मामले पर मामला दर्ज कर और आगे की जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। Thank you.